नमस्ते साथियों, मैं विनायक स्वागत करता हूँ आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि लग्जरियस सेगमेंट का होने वाला है। हम देखने वाले हैं 3 BHK का सैम्पल फ्लैट। ये प्रोजेक्ट की अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो ये प्रोजेक्ट आता है किवले लोकेशन में। तो चलिए बढ़ते हैं सैम्पल फ्लैट की ओर और देखते हैं हमें इस प्रोजेक्ट में क्या क्या देखने मिलेगा। हम अब आ चुके हैं सैम्पल फ्लैट के एंट्रेंस पे, तो बढ़ते हैं सैम्पल फ्लैट में। ये जो यूनिट है वो 3 BHK का सैम्पल है। तो हम अब आ चुके हैं सैम्पल फ्लैट के एंट्रेंस की ओर। ये एंट्रेंस लॉबी आपको आते ही देखने मिलेगी। एंट्रेंस लॉबी में आप देख सकते हैं शूरा वगैरह के लिए आपको स्पेस, इनफ स्पेस प्रोवाइड की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं लिविंग रूम में। तो हम अब आ चुके हैं लिविंग रूम में। लिविंग रूम के अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो लिविंग डाइनिंग दोनों मिलकर आपको 16x16 का एरिया देखने मिलेगा। उसी को अटैच बालकनी देखने मिलेगी। आप यहाँ पर देख सकते हो टीवी यूनिट के लिए आपको इनफ स्पेस दी गई है। एल शेप में बड़ा सोफ़ा आप इजीली सेटअप कर सकते हो और सामने की तरफ भी जैसा हमने सेटअप किया है आप वैसा भी आपका सेटअप कर सकते हो। आपको 4x2 की मार्बल फिनिशिंग के साथ टाइल्स देखने मिलेगी। बढ़ते हैं बालकनी की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हो हम आ चुके हैं बालकनी में। बालकनी के अगर डायमेंशंस की मैं बात करूँ तो 11x5 का आपको बालकनी देखने मिलेगा। रेलिंग आपको देखने मिलेगी जो कि टफन ग्लास के साथ प्रोवाइड की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं किचन यूनिट में। साथियों, हम अब आ चुके हैं किचन यूनिट में। किचन की अगर डायमेंशंस की बात करूँ तो 10x7 का आपको किचन यूनिट देखने मिलेगा। यहाँ पर आपको कंपोजिट ग्रेनाइट फिनिशिंग देखने मिलेगी और सिंक भी प्रोवाइड किया गया है। उसी को लग के ओपन ड्राई बालकनी देखने मिलेगी जो कि बाहर की तरफ रहेगी। आपका वॉशिंग मशीन यूनिट इजीली वहाँ पर सेटअप हो जाएगा। आपको स्विचेस भी प्रोवाइड किए गए हैं जिसमें आप आपका एग्जॉस्ट फैन भी लगा सकते हो। आप देख सकते हो सामने की तरफ आपको डाइनिंग एरिया देखने मिलेगा। हमने जैसा डाइनिंग एरिया सेटअप किया है उस हिसाब से 6-सीटर स्पेस आपको इजीली प्रोवाइड किया गया है। बढ़ते हैं कॉमन एरिया की तरफ। तो हम अब आ चुके हैं कॉमन एरिया में। कॉमन एरिया में आपको वॉश बेसिन बाहर की तरफ देखने मिलेगा और जो फिटिंग्स देखने मिलने वाली है वो ग्रोहे के रहने वाली है। उसी को अटैच आपको कॉमन टॉयलेट देखने मिलेगा। कॉमन टॉयलेट की अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँ तो 7.5x4.5 का आपको कॉमन टॉयलेट देखने मिलेगा। जो भी फिटिंग्स रहने वाली है वो सारी अमेरिकन स्टैंडर्ड की होने वाली है। तो हम आ चुके हैं किड्स बेडरूम में। अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूँ तो 12x9 का आपको किड्स बेडरूम देखने मिलेगा। उसी के साथ आप देख सकते हो वार्डरोब स्पेस हमने प्रोवाइड की गई है जो कि 1 फिट की रहने वाली है। सामने की तरफ आप देखोगे तो विंडो भी काफ़ी बड़ी देखने मिलेगी जो आपके वेंटिलेशन और सनलाइट ईजिली पास होगा। तो चलिए बढ़ते हैं मास्टर बेडरूम में। तो हम अब आ चुके हैं मास्टर बेडरूम में। डायमेंशंस की मैं बात करूँ तो 12x10 का आपको मास्टर बेडरूम देखने मिलेगा। उसी को अटैच बालकनी देखने मिलेगी और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो मास्टर टॉयलेट है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मास्टर बाथरूम में आपको राउंड सिंक देखने मिलेगा विद काउंटर। एडिशनली आपको हैंड शावर और ओवरहेड शावर देखने मिलेगा। इसके जो टाइल्स दिए गए हैं वो 4.2 के टाइल्स आपको देखने मिलेंगे।
हम अब आ चुके हैं मास्टर बालकनी में। बालकनी के अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो 8x4 का आपको बालकनी देखने मिलेगा। ये जो रेलिंग होने वाली है वो SS रेलिंग होने वाली है और उसी के साथ आपको टफन ग्लास देखने मिलेगा। आप देख सकते हो जो बालकनी है वो ऊपर से कवर्ड रहने वाली है, मतलब इस प्रोजेक्ट में आपको इवन ऑड का कंसेप्ट नहीं देखने मिलेगा। तो हम अब आ चुके हैं गेस्ट बेडरूम में। गेस्ट बेडरूम में बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ हाईलाइट बताना चाहूँगा। आप देख सकते हो डोर के बैक साइड में आपको 1 फीट का नीश प्रोवाइड किया गया है। उसी के साथ सामने की तरफ आपको गेस्ट बेडरूम से अटैच बाथरूम देखने मिलेगा, जो सेम मास्टर बेडरूम के जैसा ही फिटिंग्स आपको देखने मिलने वाली है। और हैंड शावर और ओवरहेड शावर आपको प्रोवाइड किया गया है विद सिंक। बढ़ते हैं गेस्ट बेडरूम में। हम आ चुके हैं अब गेस्ट बेडरूम में। अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूं तो 11.5x10 का आपको गेस्ट बेडरूम देखने मिलेगा। आप देख सकते हो सामने की तरफ आपको एक फुल फ्रेम विंडो देखने मिलेगी, जिसमें नीचे का जो साइड रहेगी वो फिक्स रहने वाली है और ऊपर की स्लाइडिंग रहने वाली है। सामने की तरफ आप आपका वार्डरोब भी सेटअप कर सकते हो। सो साथियों, हमने आपको 3BHK सैम्पल फ्लैट का वीडियो टूर दे दिया है। अब मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताऊंगा। ये प्रोजेक्ट 350 फैमिलीज के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रोजेक्ट में आपको स्विमिंग पूल से लेकर मिनी गोल्फ कोर्ट सारी अमेनिटीज़ देखने मिलने वाली है। इस प्रोजेक्ट में आपको इवन ऑड का कंसेप्ट नहीं देखने मिलता है। इसके लिए सारी बालकनीज जो रहने वाली है वो कवर्ड रहने वाली है। अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करें। साईजीत रियल्टर्स आपको फ्री पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अगर आपको इस प्रोजेक्ट के और डिटेल में जानकारी चाहिए तो हमने ब्रोशर्स भी आपको प्रोवाइड किए गए, जो कि डिस्क्रिप्शन में है।